आक्सीकरण, अपचयन, आक्सीकारक तथा अपचायक, इन सभी के विषय में जान लेने के बाद आइए अब हम आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के प्रकारों के विषय में जानते हैं। सामान्य अभिक्रियाओं की तरह आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कई प्रकार से हैं, जैसे कि योग आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसके अलावा अपघटन आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से विस्थापन आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी तरह से चौथे प्रकार की जो आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं, वे विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम असमानुपातन अभिक्रियाएं कहते हैं, या जिसे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं योग आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि आप जानते हैं, योग अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें से कोई भी दो परमाणु, अणु या स्पीसीज आपस में जुड़कर किसी एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्हें हम सामान्य रूप से A प्लस बी इज इक्वल टू सी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन सभी योग अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं हो सकती। केवल वे ही योग अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया होंगी जिसमें भाग लेने वाले स्पीसीज में से कोई एक या फिर दोनों अपनी तात्विक अवस्था में होते हैं, तभी वह अभिक्रिया रेडॉक्स योग अभिक्रिया होगी। इस तरह के यदि हम उदाहरण देखें तो प्रायः सभी दहन अभिक्रियाएं इस अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जब हम किसी पदार्थ का दहन करते हैं तो इसका सीधा अर्थ होता है कि हम उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी तात्विक अवस्था में होती है, और इसीलिए सभी दहन अभिक्रियाएं रेडॉक्स योग अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, यहाँ पर जब हम किसी कार्बन या कोयले का वायु में दहन करते हैं तो वहाँ पर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर हम देखें कि योग करने वाली दोनों स्पीसीज, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों ही अपनी तात्विक अवस्था में हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही अपनी तात्विक अवस्था में हैं, और इसकी पुष्टि हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन क्योंकि यहाँ पर तात्विक अवस्था में है, इसलिए यह अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन भी यहाँ पर अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसके पश्चात ये दोनों मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वह अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि -2 अवस्था में होगा, और चूंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर कुल ऋण आवेश हो जाएगा 4। इसका सीधा अर्थ हुआ कि कार्बन यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड है वह उदासीन होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन अपनी तात्विक अवस्था से +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, यानी कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, और हम जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन, तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और चूंकि यह योग अभिक्रिया है इसलिए यह अभिक्रिया निश्चित रूप से योग रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया नाइट्रोजन गैस से कराते हैं तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करते हैं, जिसका सूत्र होता है Mg3N2।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम चूंकि धातु है अपनी तात्विक अवस्था में है और इसलिए साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन भी अपनी तात्विक अवस्था में है और इसलिए यह योग अभिक्रिया एक रेडॉक्स योग अभिक्रिया होगी। अब इसकी पुष्टि हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में होने वाले परिवर्तन से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम तथा नाइट्रोजन दोनों ही अपनी तात्विक अवस्था में है, इसलिए ये दोनों अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब ये Mg3N2 का निर्माण करते हैं तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, वो होती है +2। और चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के 3 परमाणु हैं, इसलिए कुल जो धनावेश हो जाएगा वो हो जाएगा +6। और इससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या 2 है और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक नाइट्रोजन अपनी -3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो अब हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जहाँ अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -3 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक तत्व का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। और साथ ही साथ यह चूंकि यहाँ पर योग होकर दो स्पीसीज आपस में जुड़कर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह योग रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। एक और उदाहरण हम देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसें अपनी तात्विक अवस्था में हैं और ये मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करती हैं। अब हम जानते हैं कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वह अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +1 अवस्था में है। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, इसलिए कुल धनावेश 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उससे जुड़ा हुआ जो एक नाइट्रोजन है वह अपनी -3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि नाइट्रोजन यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -3 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि नाइट्रोजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। चूंकि यहाँ पर भी एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। साथ ही साथ दोनों ही जो अभिकारक स्पीसीज हैं वह अपनी तात्विक अवस्था में हैं, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में हैं, और इसीलिए यह अभिक्रिया भी योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसी तरह से हम एक और दहन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं बायोगैस जिसमें की उपस्थित होती है मीथेन गैस। जब मीथेन गैस को जलाया जाता है, इसका मतलब यह है कि जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा पानी बनता है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो मीथेन है वह तो एक यौगिक के रूप में है, लेकिन इससे क्रिया करने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वह अपनी तात्विक अवस्था में है, यानी कि दोनों स्पीसीज में से एक जो है वह अपनी तात्विक अवस्था में है। जब ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं तो हम देखें कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम देखें कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह +1। वैसे भी कार्बन की तुलना में जो हाइड्रोजन है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन ही यहाँ पर प्लस ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। और अब यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इसलिए कुल धनावेश 4 हुए। इसका मतलब है कि इन 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ जो एक कार्बन है वह अपनी -4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दूसरी ओर ऑक्सीजन यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब ये मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होगा वह -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए कुल ऋणावेश हो जाएगा 4। और इसीलिए यहाँ पर जो कार्बन होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +4।
इसी तरह से हम जानते हैं कि जल में जो ऑक्सीजन होता है वो अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जबकि हाइड्रोजन अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि कार्बन -4 ऑक्सीकरण अवस्था से +4 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -2 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन अभिकारक में भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा यह जल यानी कि उत्पाद में भी यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक हैं उनके प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर किसी भी एक परमाणु का ऑक्सीकरण होगा तथा दूसरे का अपचयन होगा, यानी कि दो ही तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्योंकि एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे का अपचयन, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अभिकारक में भाग लेने वाली जो दोनों स्पीसीज है उसमें एक जो ऑक्सीजन जो है वह अपनी तात्विक अवस्था में है, इसलिए यह भी एक योग रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। योग रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद आइए अब हम दूसरे प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाओं को देखें। और दूसरे प्रकार की जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो है अपघटन अभिक्रियाएं, या जिसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रियाएं योग अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। यहाँ योग अभिक्रियाओं में दो स्पीसीज आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कोई यौगिक एक से अधिक भागों में टूटकर कई भागों में छोटे अणुओं का निर्माण करता है। और इस तरह से यहाँ पर भी हम देखें कि सभी अपघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होंगी, केवल वही अपघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी जिनमें बनने वाली जो स्पीसीज हैं उसमें से कम एक अपनी तात्विक अवस्था में हो। इसके लिए सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं जल के अपघटन का। हम जानते हैं कि जल का अपघटन होने पर हमें हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि जल के अपघटन से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही अपनी तात्विक अवस्था में होते हैं, इसलिए यह अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और इसकी पुष्टि हम इनके ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जबकि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। जब ये टूटकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं तो उस समय यहाँ पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस दोनों ही अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, और इसका मतलब यह है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी ओर हाइड्रोजन अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, और इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। सामान्य तौर पर भी हम जानते हैं कि जो आपने जाना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह भी इसी अभिक्रिया के द्वारा होती है। यहाँ पर भी जल में का अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन का अपचयन तथा ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्योंकि एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है, और साथ ही साथ जो उत्पाद बन रहे हैं उसमें से दोनों ही अपनी तात्विक अवस्था में हैं, इसलिए यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अपघटन अभिक्रिया है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्राइड।
सोडियम हाइड्राइड को जब गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम धातु तथा हाइड्रोजन गैस देती है। अब सोडियम हाइड्राइड में हम जानते हैं कि सोडियम एक विद्युत धनात्मक तत्व है और इसलिए यह हमेशा प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में होगी। दूसरी ओर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब ये टूटकर सोडियम धातु तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तो यहाँ पर सोडियम चूंकि अपनी तात्विक अवस्था में है इसलिए यहाँ पर यह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी। दूसरी ओर यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वह भी अपनी तात्विक अवस्था में है और इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक भी शून्य है। तो इस तरह से हम देखें कि सोडियम जहां प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहे हैं इसलिए यहां पर इसका होगा अपचयन। दूसरी ओर यहां पर हाइड्रोजन चूंकि माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य में जा रही है यानी कि यहां पर इसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है और इसलिए यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से यह अपघटन अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है उसमें हम जब पोटेशियम क्लोरेट का उच्च ताप पर अपघटन करते हैं तो हमें पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होती है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है। अब यहाँ पर हम देखें कि पोटेशियम क्लोरेट में यहाँ पर ऑक्सीजन तो माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है और हम जानते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट जिसका सूत्र होता है KClO3 यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन परमाणु हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कुल ऋणावेश 6 हैं। अब यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर पोटेशियम है और पोटेशियम हमेशा प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जो बचा हुआ 5 ऋणावेश है वह क्लोरीन के द्वारा उदासीन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर क्लोरीन यहाँ प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब इस पोटेशियम क्लोराइड का हम विघटन करते हैं तो हमें प्राप्त हो रही है पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर हम जानते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा क्लोरीन यहाँ पर माइनस 1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिल रही है वह भी अपनी तात्विक अवस्था में है यानी कि यह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जहाँ प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था से माइनस 1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है यानी कि इसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि माइनस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यह ऑक्सीजन में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि हम यहाँ पर देखें कि पोटेशियम अभिकारक में भी पोटेशियम क्लोरेट में भी यह प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा पोटेशियम क्लोराइड जो उत्पाद है उसमें भी यह प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में है यानी कि पोटेशियम के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर भी जो अपघटन हो रहा है उसके फलस्वरूप जो स्पीसीज मिल रही है उनके ऑक्सीकरण अंकों में परिवर्तन हो रहा है। एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखते हैं। हम जानते हैं कि चूना पत्थर जिसका सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसका उच्च ताप पर अपघटन किया जाता है तो यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यदि हम इसमें देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक कंपाउंड है यह अपघटित होकर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है जो कि स्वयं भी एक कंपाउंड है, यौगिक है और साथ ही साथ बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक यौगिक है। तो यहाँ पर हम देखें कि अपघटन होने के पश्चात जो नए स्पीसीज बन रही हैं उनमें से कोई भी अपनी तात्विक अवस्था में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अपघटन अभिक्रिया नहीं है। इसकी पुष्टि हम इसके ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि कैल्शियम
कार्बोनेट में, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ पर चूंकि 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं इसलिए कुल ऋणावेश हो जाएगा 6। साथ ही साथ हम जानते हैं कि कैल्शियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, और इस तरह से अब जो यहाँ पर कार्बन बच रहा है तो कार्बन यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। जब यह कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन फिर से अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ पर चूंकि 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं इसलिए यहाँ पर जो कार्बन होगा उस पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कैल्शियम अभिकारक में भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, उत्पाद में भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, कार्बन भी अभिकारक में भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा उत्पाद में भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी यह अपनी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी अभिकारक में भी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा उत्पाद में भी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यानी कि इस पूरी अपघटन अभिक्रिया में यौगिकों में यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद के जो यौगिक हैं उनमें से किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी अपघटन अभिक्रिया या कोई भी योग अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो यह आवश्यक नहीं है। इसकी पुष्टि हम इस पूरी करने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की शर्तों के आधार पर कर सकते हैं, या फिर हम इसकी पुष्टि इनके ऑक्सीकरण अंक में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के तीसरे प्रकार को, और ये जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। विस्थापन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि इसमें कोई भी एक अधिक सक्रिय तत्व दूसरे या कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम सामान्य तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, x+yz=xz+y। यहाँ पर धातु के द्वारा धातु का विस्थापन भी हो सकता है, या फिर धातु के द्वारा किसी अधातु का विस्थापन भी हो सकता है। इसी के आधार पर विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, पहली धातु विस्थापन अभिक्रियाएं और दूसरी अधातु विस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले देखते हैं धातु विस्थापन अभिक्रियाएं। धातु विस्थापन अभिक्रियाओं में हम जानते हैं कि यहाँ पर अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण मिश्रण में से या उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है। इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं।